बिहार कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि काफी माथापच्ची के बाद महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं सीट शेयरिंग के अनुसार राजद 26, कांग्रेस 9 तो वहीं लिफ्ट के खातों में 5 सीटें आई हैं। पहले चरण में राजद सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने इन सीटों पर अपने दिग्गजों को मौका दिया है। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर तो वहीं किशनगंज से मोहम्मद जावेद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें, इससे पहले विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर से अपनी बेटी को लड़ाने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस को 8-9 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो यहाँ की उम्मीदवार मेरी बेटी नेहा शर्मा भी हो सकती है। पार्टी अगर कहेंगे तो चुनाव हम लड़ेंगे। वहीं उन्होंने राजद के द्वारा कांग्रेस को भाव न देने की बात पर भी कहा था कि हम लोग गठबंधन में हैं, परिवार की बात है, हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, शक्ति से लड़ेंगे और पूरे बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में क्या लग, कांग्रेस को आरजेडी जो है भाव नहीं दे रही है? ये किसने कहा भाव नहीं दे रही? हम लोग गठबंधन में हैं, परिवार की बात है, ये सब चर्चा है। बिल्कुल भाव क्या मतलब, हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, शक्ति से लड़ेंगे और एनडीए को पूरा बिहार से उखाड़ देंगे। कटिहार सर क्लियर हो गया कि वहाँ कम्युनिस्ट है, वहाँ पे दूसरे पार्टी सर माले भी मेरे साथ है, सीपीआई भी मेरे साथ है, सब लोग हम लोग गठबंधन में है, सबको सीट मिलना है। भागलपुर कांग्रेस को मिलना चाहिए, भागलपुर लड़ेंगे और भागलपुर अगर आता है तो मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी नेहा शर्मा लड़े, चूंकि हम तो विधायक हैं। अगर पार्टी चाहेगी मुझे ही लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एनडीए को इस बार सफाया करेंगे बिहार से। बिहार की धरती में वो ताकत है, पूरे भारतवर्ष को आजाद कर अहम भूमिका बिहार निभाई है और नरेंद्र मोदी जी को हटाने का पूरा भार बिहार को है। कितना मिल रहा है सर? ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 8-9 सीट मिलना चाहिए। मालूम हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार से कांग्रेस ने 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जो किशनगंज की सीट थी। किशनगंज से मोहम्मद जावेद इकलौते महागठबंधन के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दूसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। दूसरे चरण में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होगा। कांग्रेस के खाते में भागलपुर, कटिहार और किशनगंज आई है। इन सभी सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।